नमस्ते एंड हेलो, वेलकम टू फिट लाइफ हिट लाइफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम आंचल सेतिया। वेडिंग सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ऐसी कॉमन ईटिंग मिस्टेक्स शेयर करी जाए जो कि बहुत से लोग करते हैं, स्पेशली वेडिंग सीजन में, वेडिंग फंक्शंस में, एनिवर्सरी फंक्शंस में या फिर बर्थडे पार्टीज में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या है वो ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत से लोग करते हैं। नंबर वन, फ्रूट्स। नो डाउट फ्रूट्स आर वन ऑफ द हेल्दी फूड ऑन द प्लैनेट। तो फिर दिक्कत क्या है? सब लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स खाओ और फ्रूट्स हेल्थ के लिए अच्छे भी हैं। दिक्कत ये है कि ज्यादातर फंक्शन जो होते हैं ना वो रात के टाइम में होते हैं। वेल, फ्रूट्स खाने का भी एक परफेक्ट टाइम होता है। अगर आप सनसेट के बाद फ्रूट्स खाते हो तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाते और जो भी उससे न्यूट्रिएंट्स है ना वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते बॉडी में। इसीलिए अगर आप दिन के फंक्शंस में जा रहे हो तो आप फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन अगर आप रात को जा रहे हो तो अवॉइड करो आप फ्रूट्स खाना, उसकी जगह आप बाकी स्टॉल्स ले सकते हो। सेकंड पॉइंट इसमें ये आता है कि फ्रूट्स को कभी भी आप मील के साथ कंबाइन करके मत लो। फ्रूट्स एंड मील को जब भी हम कंबाइन करते हैं तो वो एक वर्स्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि फ्रूट्स में अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, वही मील है, मील को थोड़ा सा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हो तो वो दोनों ही स्पॉइल हो जाते हैं। इसीलिए फ्रूट्स एंड मील में कम से कम 2 घंटे का गैप आप जरूर रखो। इसलिए आप फ्रूट्स को अवॉइड करो फंक्शंस में, उसकी जगह आप बाकी स्टॉल्स ले सकते हो। सेकेंड कॉमन मिस्टेक यहाँ पर ये आती है कि लोग गर्म और ठंडा मिक्स कर देते हैं। कोल्ड एंड होट फूड साथ में आपको मिक्स नहीं करना है। आयुर्वेदा स्ट्रिक्टली मना करता है गर्म और ठंडा फूड इकट्ठा खाने में। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स इकट्ठे ले लिए, कोई भी गर्म स्नैक, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन वर्स्ट कॉम्बिनेशन में आता है। इसी तरह से आप सूप ले रहे हो और साथ में गोलगप्पे खा रहे हो, तो इन दोनों में आप थोड़ा सा टाइम डिफरेंस जरूर रखो। कोशिश करो एक टाइम पर एक ही तरह का फूड आप कंज्यूम करो, या तो गर्म या फिर ठंडा। तो गर्म और ठंडा इन दोनों का आपको सेपरेट रखना है, कंबाइन नहीं करना। थर्ड कॉमन मिस्टेक ये आती है कि लोग बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। क्या है कि अगर आप किसी भी फंक्शन में जाओगे तो वहां पर स्टॉल्स तो ज्यादा लगे ही होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो भी स्टॉल्स वहां पर डिस्प्ले में है वो आपको सभी खाने हैं। उन्होंने वो वहां पर डिस्प्ले करे बट दैट डजंट मीन यू हैव टू ईट एवरीथिंग। फाइन, क्या होता है कि जब हम जितने स्टॉल्स देखते हैं ना हम खाते चले जाते हैं तो ओवर ईटिंग हो जाती है और फिर डाइजेशन इश्यू आ जाता है। तो ओवर ईटिंग से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी वहां पर स्टॉल्स लगे आप उन्हें पहले स्कैन कर सकते हो, आप उन्हें पहले देख लो एंड देन आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। इससे ओवर ईटिंग भी नहीं होगी और आपको पता भी चल जाएगा कि क्या क्या वैरायटी है वहां पर। तो इजीली आप कोशिश करो कि ज्यादा मत खाओ, ओवर ईटिंग मत करो, ओवर ईटिंग से बचो। जरूरी नहीं है कि आपको सगन पूरा वसूल करके ही आना है, पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक आती है यहाँ पर, फूड सेंट्रिक। जब भी आप फंक्शंस में जाओ तो फूड सेंट्रिक मत बनो। ये ना हो कि आप सिर्फ खाने के लिए ही वहां पर जा रहे हो। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ खाने के लिए फंक्शंस पर जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा अटैक कर दो फूड पर जाकर। थोड़ा सा वहां पर सोशलाइज करो, वहां पर जो परफॉर्मेंस हो रही है उन्हें एंजॉय कर सकते हो। थोड़ा सा लोगों के साथ आप बातें कर सकते हैं, डांस होता है वहां पर डांस कर सकते हो। सिर्फ एक जगह पर बैठे मत रहो, थोड़ा सा वॉक करते रहो। ये ना हो कि बस आप एक जगह बैठे हो और खाए जा रहे हो, थोड़ा सा इधर उधर आप मूव कर सकते हो। साथ ही आप अपने फूड को कस्टमाइज भी करवा सकते हो, जैसे कि थोड़ा सा कम ऑयल डलवा सकते हो। अगर पास्ता बनवा रहे हो तो उसमें थोड़ी सी वेजीज एक्स्ट्रा ऐड करवा सकते हो। इस तरह से आप अपना फूड जो है वो कस्टमाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अल्कोहल। अभी फंक्शंस का सीजन चल रहा है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट यहाँ पर मैंने डाला है। सबसे पहली बात कि हमारी बॉडी इस तरह से नहीं बनी कि हम अल्कोहल कंज्यूम करें। सेकंड पॉइंट, अगर आप कर ही रहे हो तो कोशिश करो कि आप ऑर्गेनिक कंज्यूम करो। अल्कोहल कभी हमें बेनिफिट नहीं देता, जो उसका सोर्स होता है उससे हमें बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि ग्रेप्स। तो अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो नंबर वन पॉइंट कि कभी भी उसे एम्प्टी स्टमक मत कंज्यूम करो, कुछ ना कुछ आप जरूर खा के जाओ। अगर एम्प्टी स्टमक आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो उससे क्या होता है कि बॉडी में जो शुगर लेवल्स हैं वो लो हो जाते हैं, जिससे कि हेडेक वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मेरा ये है कि अल्कोहल के साथ आप कभी भी फ्राइड फूड को मिक्स मत करो। फ्राइड फूड के साथ अल्कोहल कंज्यूम मत करो। उसके साथ आप गुड क्वालिटी फैट या फिर प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि चीज, नट्स, सीड्स, मीट या फिर पनीर, इनके साथ आप कंज्यूम कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू कंज्यूम इन मॉडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा यहाँ पर स्टार्वेशन। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें लगता है कि आज रात का फंक्शन है तो वो पूरा दिन कुछ खाते ही नहीं है।
पूरा दिन कुछ खाते नहीं है, भूखे रहते हैं और फिर रात को एकदम से अटैक कर देते हैं फूड पे। तो ये काम आप मत करो, ये ना हो कि आप पूरा दिन भूखे हो और रात को एकदम से बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट डे तो बीमार पड़ोगे ही, डाइजेशन इश्यूज भी हो जाते हैं, ब्लोटिंग, एसिडिटी। तो इसीलिए ये सब चीजें मत करो, ठीक है। आप घर से मिनी मील्स लेके जा सकते हैं, जैसे आप थोड़ा थोड़ा कम खा सकते हो उस दिन, पर ये ना हो कि आप पूरा दिन खुद को स्टार्व कर रहे हो एंड देन रात को एकदम से ज्यादा खा रहे हो। ये थी ऐसी कॉमन ईटिंग मिस्टेक्स जो कि लोग करते हैं। ओवर 90% लोग इनमें से कोई ना कोई दो तीन गलती तो जरूर करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर आपको भी लगता है इनमें से कोई भी दो तीन मिस्टेक्स आप करते हो तो उन्हें आप इम्प्रूव कर सकते हो, और साथ ही वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वो भी ये ईटिंग मिस्टेक से बच सके और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फाइंड इट यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। इसे शेयर कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।